गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अभी तक की सभी कक्षाओं में जो भी आपने सीखा है, क्या वह सभी बच्चों को याद है या नहीं? एमएस पेंट के माध्यम से आप सभी ने कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब आप सभी अपने नोटबुक को ऑन करें और एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके आना है। आप अपने पॉइंटर को टच पैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप जो सीखेंगे वह कुछ इस प्रकार से है। आज की कक्षा में लाइन टूल की मदद से अल्फाबेट्स बनाएंगे। उसके बाद आप सभी फिलिंग विथ कलर क्या होता है यह सीखेंगे। उसके बाद फिलिंग विथ कलर का उपयोग करते हुए ड्राइंग बनाएंगे। दिखाए गए चित्र में अल्फाबेट्स हैं और इन सभी अल्फाबेट्स को लाइन टूल की मदद से बनाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले आपको लाइन टूल को सेलेक्ट करना होता है। बिना लाइन टूल को सेलेक्ट किए आप लाइन नहीं खींच सकते। तो आप सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर पैलेट में जाकर कोई सा भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप दिखाए गए अल्फाबेट्स को बनाएंगे। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद साइज पे जाएं और एक परफेक्ट साइज लें, फिर कलर को चेंज करें। उसके बाद अपने शीट पे कर्सर को लेकर आएं और यहाँ से लाइन नीचे की तरफ खींचें। फिर दूसरी लाइन ऐसे एल बनाएं, उसके बाद एक ऐसे लाइन, फिर ऐसे उसके बाद यहाँ पे ऐसे, जिससे कि एफ बन जाएगा। फिर कलर को चेंज करें। एक ऐसे लाइन, फिर दूसरी ऐसे लाइन, उसके बाद नीचे की तरफ ऐसे, जिससे कि वाई बन जाएगा। फिर कलर को चेंज करें। सीधी लाइन ऐसे खींचें, उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रैग करें, जिससे कि अब यह आपका ई बन जाएगा। कलर को चेंज करें, उसके बाद कर्सर को सीट पर लेकर आएं, एक सीधी लाइन को खींचें, फिर बीच में ऐसे एक लाइन,
फिर ऊपर कर्सर यहाँ पे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, जिससे कि एच बन जाएगा। कलर को चेंज करें, सीधी लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ बीच में से एक नीचे की तरफ लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे सीधे लाइन को ड्रैग करें, जिससे कि आई बन जाएगा। कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन को खींचें, फिर बीच में से ऐसे क्रॉस लाइन, जिससे कि यह एक्स बन जाएगा। फिर कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन को खींचें, फिर ऊपर की तरफ छोटा सा, उसके बाद ये नीचे की तरफ लाइन, फिर अब ये ऊपर, जिससे कि डब्लू बन जाएगा। कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन खींचे, फिर यहां से ये लाइन, फिर यहां पे ऐसे बीच में, जिससे कि ए बन जाएगा। कलर को चेंज करें, फिर यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन को खींचें, फिर ऐसे ऊपर सीधी लाइन, जिससे कि टी बन जाएगा। कलर को चेंज करें, नीचे की लाइन खींचें, फिर यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे फिर अब ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन ड्रैग करें, फिर यहां से नीचे की तरफ ऐसे लाइन को लेकर आएं, जिससे कि वी बन जाएगा। कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे, उसके बाद यहां से इधर की तरफ ऐसे लाइन खींचें, जिससे कि जेड बन जाएगा। फिर कलर को चेंज करें, ऐसे लाइन खींचें, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन, फिर ये वाली लाइन ऐसे, जिससे कि के बन जाएगा। इस तरह से ये आपकी खत्म हो जाएगी इमेज। आइए अब सीखते हैं कि नया पेज या इसे मिटाते कैसे हैं। आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को ढूंढें, जो कि CTRL लिखा होगा। उसे आप अपने बाएं हाथ की एक फिंगर से दबाकर रखें और दूसरे हाथ से A को दबाएं। दोनों की को एक साथ प्रेस करना है, जिससे कि आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को ढूंढें और
उसे एक बार प्रेस कर दें, जिससे कि आपका पेज या जो बनाया हुआ चित्र होगा वह डिलीट हो जाता है। अब आप सभी फिलिंग विद कलर के बारे में सीखेंगे। क्या आप सभी बच्चों में से कोई बता सकता है कि फिलिंग विद कलर क्या होता है? फिलिंग विद कलर का उपयोग किसी चित्र के अंदर कलर को फिल करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पिछली कक्षा में आपने उस घर को कलरफुल बनाया था। नहीं, आप सबने उस घर के अंदर कलर नहीं किया था, आप सबने सिर्फ उस घर के बाहर की लाइन को कलर वन के माध्यम से कलर किया था। आप सब ने अगर उस घर को बनाने के बाद अगर उसके अंदर कलर फिल किया होता तो आप सब इसके लिए फिलिंग विद कलर का उपयोग करेंगे। फिलिंग विद कलर का उपयोग करने के लिए आप सब उस इमेज को लाइन टूल के मदद से बना लेंगे, उसके बाद फिलिंग विद कलर को सेलेक्ट करेंगे और फिर जो भी कलर चाहिए आप सब उस कलर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बनाए हुए पिक्चर्स के अंदर अपने कर्सर को ले जाकर उसके बाद टच पैड के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से पिक्चर्स के अंदर कलर भर सकता है। आप सभी को फिलिंग विद कलर के माध्यम से एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को बनाना है और उसके अंदर कलर भरना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप सब लाइन टूल की मदद से एक ट्रायंगल बना लेंगे, फिर उसके बाद आप सभी को फिलिंग विद कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कलर पैलेट में से कोई भी कलर चुनकर अपने कर्सर को उस ट्रायंगल के अंदर बीच में रखेंगे जो कि आप सभी ने बनाए होंगे। उसके बाद अपने टच पैड का लेफ्ट बटन को बस एक बार दबा देंगे, आपके बनाए हुए ट्रायंगल के अंदर कलर फिल हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप सब फिलिंग विद कलर का उपयोग करें तो आपके बनाए हुए चित्र की सभी लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होगी तो आपका पूरा शीट उसी कलर से भर जाएगा जिससे आप बनाए हुए चित्र में भरना चाहते हैं। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कर्सर को शीट पर लेकर आएं, ऐसे एक सीधी लाइन ऐसे खींचें, फिर यहां से दूसरी लाइन ऐसे, उसके बाद तीसरी लाइन जहां से ऐसे, फिल विद कलर को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, फिर बीच में कलर फिल कर दें जिससे कि यह इमेज आपकी बन जाएगी। आइए अब सीखते हैं कि नया पेज या इसे मिटाते कैसे हैं। आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को ढूंढें, जो कि CTRL लिखा होगा, उसे आप अपने बाएं हाथ की एक फिंगर से दबाकर रखें और दूसरे हाथ से A को दबाएं। दोनों की को एक साथ प्रेस करना है जिससे कि आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को ढूंढें और उसे एक बार प्रेस कर दें जिससे कि आपका पेज या जो बनाया हुआ चित्र होगा
वह डिलीट हो जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि यह चित्र किस चीज़ का है। यह रंगोली का चित्र है। इस चित्र को बनाने के लिए लाइन टूल और फिलिंग विद कलर का उपयोग करना है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, कर्सर को शीट पर लेकर आएं और ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें। फिर अब ये दूसरी लाइन ऐसे, फिर अब एक और ऐसी लाइन, फिर यहाँ पर कर्सर लेकर आएं, ऐसे सीधी एक लाइन को खींचें, उसके बाद ऐसे लाइन, फिर अब ऐसे, उसके बाद फिल विथ कलर को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, यहाँ पे कलर फिल कर दें, कलर को चेंज करें, फिर यहाँ कलर फिल कर दें, फिर कलर चेंज करें, फिर कलर फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें, यहाँ कलर फिल कर दें, फिर कलर को चेंज करें, कलर फिल करें, फिर कलर को चेंज करें, यहाँ पे कलर फिल कर दें ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ पे कलर फिल कर दें। इस तरह से पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। इस चित्र को देखें और बताएं यह किस चीज़ का चित्र है। यह चित्र एक घर का है। पिछली बार आपने जो घर बनाया था उसमें आपने कोई भी कलर नहीं भरा था, लेकिन इस घर में आपको लाइन टूल और फिल विद कलर के मदद से बनाना है। लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद कलर वन को ब्लैक करें, फिर ऐसी एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद दूसरी लाइन ऐसे ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे सीधी लाइन को खींचें, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे लाइन को खींचें, फिर यहाँ से ऐसे सीधी लाइन को लेकर जाएं, अब नीचे से ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, अब यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को खींचें, फिर ऐसे लाइन खींचें, उसके बाद नीचे की तरफ लाइन ऐसे, अब यहाँ पे कर्सर को लेकर आएं, एक छोटी सी लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ सीधी लाइन ऐसे छोटी सी, फिर ये लाइन,
फिर उसके बाद ऐसे, कलर को चेंज करें, फिल विद कलर पे जाएं और कर्सर अपने बॉक्स में लेके फिल लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, फिर कलर चेंज करें, फिर यहाँ पे कलर भर दें, फिर कलर चेंज करें, फिर कलर भर दें, ब्लैक कलर लें और इसमें भर दें, जिससे कि आपका यह घर बन जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। पेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए आप अपने कर्सर को क्लोज बटन पे, जो कि ऊपर दाहिने साइड कोने में है, यहाँ पर लेकर आएं। जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे, क्लोज लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लोज करें और फिर आपके पेज पर ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। क्योंकि आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए आप डोंट सेव पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सब ने सीखा कि लाइन टूल की मदद से आप सब अल्फाबेट को कैसे लिख सकते हैं। आप सभी ने सीखा कि फिलिंग विथ कलर क्या होता है, फिलिंग विथ कलर का उपयोग कैसे करते हैं और अलग अलग पिक्चर्स भी बनाएं।